बेहतरीन साउंड सर्विस जो आप सुन पा रहे हैं, हमारे सम्मानीय साहू जी राजेश भैया हमारे, जिनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, पूरा कीर्तन जगत आपको जानता है। और बेहतरीन साउंड मतलब आप कह लीजिए साउंड में किंग है आप, किंग। तो साहू जी का भी हार्दिक स्वागत है। तू नाचे मैं गाऊं, मैं नाचूं तू गाए, वाह 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 बेटे। युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, कन्हैया जी सारथी बन के खड़े हैं। अर्जुन ने जब अपने बंधु बांधों भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य सभी को देखा, दुर्योधन के देखा, कौरवों को देखा, तो आंखों से आंसू बहाने लगे। कहा कन्हैया ये मेरा ही परिवार तो है, कहा ये मेरा ही परिवार तो है। अरे कन्हैया किस पर बाण चलाने को कह रहे हो? जब गांडीव को नीचे रख दिया तो कन्हैया ने कहा अर्जुन ये कायरता, अर्जुन ये कायरता है, क्योंकि युद्ध का मैदान है, यहां पर ना कोई भाई है, ना कोई बंधु है, ना कोई बांधव है। दादाजी, दादा आप सभी को पसंद आएगी बात, चूंकि रचनाकार जब लिखता है दादा तो अपने भाव भी होता है उस गीत की पंक्तियों में। तो कन्हैया कह रहे हैं कि अर्जुन से अर्जुन बस, आप सभी जानते हैं गीता का उपदेश दिया कन्हैया ने अर्जुन को, और आज के समाज के लिए भी ये बात एक पंक्तियां आप सुनिएगा। कन्हैया ने कहा अर्जुन आदरणीय संचालक महोदय कि कोई किसी का न मीत जहां में। अर्जुन तुमने पांच गांव मांगा था, पांच गांव मांगा था, यही तुम्हारे परिवारीजन। दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ये पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य कहां थे? तो कोई किसी का न मीत जहां में, कोई किसी का नमीत। और कहा अर्जुन, अर्जुन कि स्वारथ ही स्वारथ है पारथ, कि स्वारथ ही स्वारथ है पारथ, अरे मुंह देखे की प्रीति जहां में, कोई किसी का नमी हो। आ,
एक एक शब्द सुनिएगा, चूंकि कीर्तन के असली श्रोता बचे हैं यहाँ जो उपस्थित हैं, चूंकि सारे लोग उपस्थित हैं सुबह में जित आदरणीय, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, जितने लोग यहाँ दादा रुके आप तो कीर्तन से जुड़े हुए हैं, अब फिर आप सब भी जुड़े हैं, इतना कीर्तन में संपूर्ण रात्रि इकट्ठे नहीं हो पाते, लेकिन इतने यहाँ अभी तक जुटे हैं जबकि चार बजने वाले हैं। तो पंक्तियां सुनिएगा, कन्हैया कह रहे कि अर्जुन की किस्सा है सदी यो ये पुराना, अरे फरा सो झरा जरा सो भूताना। दादा जो फल है वो झरेगा एक दिन, और जो जल रहा है वो बुझेगा एक दिन। अर्जुन की किस्सा है सदी यो ये पुराना, फरा सो झरा बरा सो भूताना, तो जाने ये सारा जमाना हो। अर्जुन तो जीत के पीछे हार लगी है, और हार के पीछे जीत जहां में, कोई किसी का नमीत, स्वारथ ही स्वारथ है पारथ, मुंह देखे की प्रीति जहां में, कोई किसी का सुधार कर शोक न करना, तो रण में आज मुकरना हो, क्षण भंगुर जी वन का क्या है, एक उदाहरण दे रहा हूं बड़े भैया, कि क्षण भंगुर जी वन का क्या है, अरे ज्यों पालू की भीत जहां में। ये जीवन किस प्रकार है, बालू को मुट्ठी में रख लीजिए वो बालू टिकेगी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो बालू हाथ से गिर ही जाएगा, तो ये जीवन किसी का टिकने वाला नहीं। अर्जुन मुंह देखे की प्रीति जहां में, कोई किसी जानता है दादाजी, हर व्यक्ति जानता है कि हमको एक दिन इस संसार से जाना है, लेकिन लेकिन और वही हर व्यक्ति चाहे आप हो चाहे हम हो, माया के जाल में सभी फंसे, तो सुनिएगा कि ये दुनियादारी अकाल के काल में सब नर नारी, लेकिन अरे फिर भी फंसे संसारी हो। ये भी बात अकाट्य सत्य है बड़े भैया, कि सदियों युग बदले पर ये ना बदले। जय जय सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, लेकिन लालच नहीं है, युग बदले रीति युग बदले पर ये ना बदले, सदियों की ये रीति जहां में, अब कोई किसी का नमीत। समय कम है, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि खेल खे
सीता के द्वारा। अर्जुन ने धनुआ उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब देखा नजरों से नजारा वो, यही सारा स्वत सत्य है सागर, सरगम का ये गीत जहां में, और कोई किसी का नमीत, तुम मुंह देखे की प्रीति जहां में, और कोई किसी का सच्चे दरबार की जय हो, सच्ची सरकार की जय हो। खंड गीत में आदेश करें तो बाबा जी का गीत में साहू स्टूडियो स्टूडियो। तो जब भी आप फुर्सत में हो, आपको इस कार्यक्रम को सुनना हो, देखना हो, तो आजकल सबके हाथों में मोबाइल है। हर आदमी बिना मोबाइल के नहीं चल रहा है, और क्या। तो इसी मोबाइल में बटन सब्सक्राइब की दबाइएगा, खट से ये कार्यक्रम निकल के आ जाएगा, और क्या। और इसमें ना मिले तो एक चैनल और सर्च कर लीजिएगा, क्रांति माला जवाबी कीर्तन चैनल, उस पर भी हम मिल जाएंगे। मेरे तमाम कार्यक्रम आपको सुनने को मिलेंगे, और क्या, क्योंकि मोबाइल का युग है और आजकल सबके हाथों में मोबाइल। और भाई साहब उद्घोषक महोदय जी, अगर कोई कहे दुनिया में सबसे पवित्र चीज क्या है, तो कहिए मोबाइल। मोबाइल, मोबाइल से पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। यही मोबाइल किचन में भी चला जाता है, बेडरूम में भी चला जाता है, तो देखा होगा आपने वहाँ भी चला जाता है जहाँ जाना नहीं चाहिए। और क्या, इज्जत घर में उसको कोई धोता होता नहीं है, लेकिन सब जगह शुद्ध है, पवित्र है। तो ये मोबाइल हाथों में है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर किसी की याद में हिचकियां नहीं आती, हर किसी की याद में हिचकियां नहीं आती, गिरे हुए फूलों पे तितलियां नहीं आती, और आजकल की राधाओं को उद्धव की नहीं जरूरत, आजकल की राधा को उद्धव की नहीं जरूरत, क्योंकि मोबाइल के युग में अब चिट्ठियां नहीं आती। मोबाइल का युग बड़ा खतरनाक युग है, और क्या। अच्छों के लिए अच्छा है, बुरों के लिए बुरा है, सब इसमें मिलेगा। तो इस मोबाइल से ये दोनों चैनल सर्च करें और सुने इस कार्यक्रम को, और क्या। गीत आया है भैया का, कैसे, साहू स्टूडियो लालगंज। सारी दुनिया ने जाना, हम दो प्रेमी मिलते रहेंगे, जीवन है संगीत रे मितवा छेड़ मिलन के, तो छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के
सभी लोगों ने गीत सुना है, बहुत अच्छा गीत सागर दादा का लिखा हुआ हमारे रंजीत भैया ने गाया है कि अर्जुन को कन्हैया समझा रहे हैं कि कोई किसी का मीत ना कोई किसी का मीत। अब आपका गीत बढ़ता जा रहा था तो हमारे शुक्ला जी ने अर्जुन की तरफ से कुछ कहने के लिए लिखना शुरू किया और जैसे ही लिखना शुरू किया तो आपका गीत बढ़ते बढ़ते वहां चला गया कि फिर अर्जुन ने धनुष बाण उठा लिया और युद्ध करने लगे, यानी मामला पूरा खत्म कर दिया आपने। और क्या, अर्जुन को गीता का ज्ञान मिल गया, उन्होंने सब पर धनुष बाण चलाना शुरू कर दिया और वो समझ गए कोई किसी का ना मीत। तो फिर मुझे दूसरा पक्ष लेना पड़ा। अब दूसरा पक्ष देखिए कहाँ है। अर्जुन ने अपने बाणों से संहार करना शुरू किया और जब पांचों पांडवों को विजय मिल गई, जीत गए, तो दुर्योधन की जो माँ है गांधारी, जब कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर गांधारी के पास आए और कहा कि बुआ मैं चाहता हूं कि आप इन पांचों को आशीर्वाद दे दीजिए, जब कहा आशीर्वाद तो गांधारी के आंसू बहने लगे और गांधारी कहने लगी वारे कन्हैया, जो युद्ध में लड़ रहे थे उनको लेकर आए हो कि मैं इनको आशीर्वाद दे दूं। अरे सोचो कन्हैया, और कहा गांधारी ने के नीति है या अनरीत कन्हैया, ये रीत है या अनरीत, सवाल कर दिया कि ये रीत है या अनरीत, आप करो मैं आशीर्वाद दूं, तो रीत है या अनरीत कन्हैया, रीत है या अनरीत, और है क्या क्या सौ सुत के सौ के सौ सुत मारे गए मेरे, में से एक भी बच जाता तो ये गांधारी सवाल नहीं करती, लेकिन सौ के सौ मर गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहा क्या के सौ के सौ सुत मारे गए मेरे, पांचों गए ये जीत कन्हैया, एक कन्हैया ये रीत है या अनरीत। गांधारी की तरफ से तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं गांधारी सही कह रही है। गांधारी कह रही कन्हैया, ये जो तुमने छल किया है इस पूरे महाभारत में, अगर तुम नहीं होते तो मेरे सौ पुत्रों का ये बाल बांका नहीं कर सकते थे। तो आपने किया क्या क्या कर्ण को छल से है मरवाए, नाम नहीं बताया बाबूजी। अच्छा हमारे सम्मानी भाई साहब जी की ओर से है अनिल। अच्छा आदनी भैया काली दीन जी आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है इन जवाब की पंक्तियों पर, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे श्रोता बैठे हैं जो सवेरे के समय भी पुरस्कार दे रहे हैं और सुबह सुबह कलाकारों को पुरस्कार भी मिले तालियां भी मिले मन से सुने तो समझ लीजिए कलाकारों का आना सार्थक हो जाता है, वरना इतने समय बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी 10-20 लोग दिखते हैं बस, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है इतने कार्यक्रम हो रहे हैं जगह जगह। तो सुनिए कहा कहा कन्हैया से गांधारी ने, हे कन्हैया कन्हैया कर्ण को छल से है मरवाए और भीष्म के आगे शिखंडी को लाए,
भीष्म पितामह के आगे शिखंडी को खड़ा कर दिया। और ये भी ज्ञान देने वाले तुम ही थे अर्जुन को। अर्जुन जो शिखंडी लेकर पहुंच गए, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रण किया था कि मैं तीन लोगों पर कभी वार नहीं करूंगा। एक तो कोई ब्राह्मण आ जाए, एक कोई निहत्ता आ जाए बिना अस्त्र शस्त्र के आ जाए, और यदि कोई नारी आ जाए तो मैं उस पर भी वार नहीं करूंगा। तो इस पूरी महाभारत में कन्हैया तुमने जो जो छल किए हैं उसका हिसाब मैं चाहती हूँ। तो कहा क्या कर्ण को छल से है मरवाए और भीष्म के आगे शिखंडी को लाए। और जयद्रथ भी ना मरता अगर तुम वहां भी छल नहीं करते, सूर्य के आगे चक्र नहीं लगाते। तो सूर्य पे अपने चक्र को लगाए नीति शास्त्र के ज्ञाता बन के कैसी करी अनीति रे कान्हा रे कन्हैया ये रीति है या अनरीति। गांधारी कह रही कन्हैया और देखो कहां कहां छल आपने किया। अर्जुन के मारने का बाण किया निष्फल। जिस बाण से अर्जुन मारा जाता है उस बाण को आपने निष्फल कर दिया। एक ये भी चालाकी की और भेजा घटोत्कच को तुमने उस पल। और एक सबसे बड़ा छल किया, समिति के लोग सुने कि सबसे बड़ा छल किया कि गांधारी ने कहा था कि दुर्योधन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में एक बार पट्टी खोलूंगी और तुम मेरे सामने पूरे के पूरे नग्न नंगे आ जाना मेरे पुत्र। मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तुम कभी मारे नहीं जाओगे। लेकिन हे कन्हैया तुमने वहां भी छल कर दिया। वो दुर्योधन जब जाने लगा तो कन्हैया ने दुर्योधन से कहा, जब छोटे थे तब तो कोई बात नहीं, अब तो तुम सयाने हो गए हो, बड़े हो गए हो, माँ के सामने पूरे नंगे जाओगे तो कैसे लगोगे। दुर्योधन कन्हैया की बात को मान गया और उसने पत्तों के वो जो वस्त्र हैं यानी पत्तों को अपने उतने गुप्तांगों पर ढांक लिया। गांधारी को कुछ नहीं पता, दुर्योधन जाकर खड़े हो गए। गांधारी ने जैसे पट्टी खोली तो बाकी शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जहां तक पत्ते लपटे हैं वो अंग वज्र का नहीं हुआ। तो हे कन्हैया तुमने सबसे बड़ा छल तो मेरे दुर्योधन के साथ किया। तो अर्जुन के मारने का बाण किया निष्फल, भेजा घटोत्कच को तुमने उस पल, और दुर्योधन को पहनाया वलकल। हो करके भगवान यहाँ पर करते रहे कूटनीति कन्हैया, एक कन्हैया ये रीति है या अनरीत, रीत है या अनरीत, कन्हैया ये रीत है या या अनरीत कन्हैया।
सत्य है या